अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और इस वीडियो के अंदर छोटा सा साइड पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा सुपरमैन या कैप्टन अमेरिका कैप्टन अमेरिका है बेसिकली तो आ, ये मेरा बेटा आज ए कंपनी कर रहा है मुझे आई रियली होप कि मैं ये वीडियो एंड तक बना सकूँ अच्छा तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही क्यूट सा बहुत ही प्रीटी सा शॉपिंग हॉल ठीक है और बहुत ही अफोर्डेबल भी है ये आई रियली होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ठीक है जनाब अच्छा लगेगा आई मीन ठीक है तो सबसे पहले आ जाता है जनाब ये ड्रेस दिस इज फ्रॉम जुबैदास आए एक मिनट सेट करती हूँ उसको ये है जी जुबैदा से और ये मुझे मिला है ऑफ में ठीक है ये नेक्स्ट जो आने वाली समर है उसके लिए मैंने शॉपिंग करी है ठीक है Uh, अभी uh, इसकी प्राइस है जनाब 1890 इसकी रेगुलर प्राइस 1890 है लेकिन ये मुझे मिला है थाउजेंड से भी कम प्राइस के अंदर ठीक है और ये भी वैलेंटाइन डे आने वाला है मैं उस पर पे भी पहनाऊँगी अपनी uh, सी प्रिंसेस को ठीक है और इसके ऊपर लिखा हुआ है माय डरी नहीं आई मीन डेरी इज़ माई फोर्स वैलेंटाइन तो ये ड्रेस है सबसे पहले ठीक है और uh, मैं आप लोगों को बताऊँ कि uh, जो ड्रेसेज अभी आप लोगों को समर के मिलेंगे ना ठीक है उन्होंने पुराने सीजन के निकाले हुए होंगे वो भी अभी आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे जैसे ही समर का नया स्टॉक आएगा तो वो फिर एकदम प्राइसेस जो है वो आसमान कुछ होने लग जाएंगी ठीक है जनाब अच्छा सेकंड जो मैंने सेकेंड मैंने जो है ना वो तीन चार ड्रेसेस लिए हैं आ, अगर आप लोग पिंडी सामबाद में रहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली अजन्नत का पता होगा अच्छा अल्जनत वालों ने ना क्या किया हुआ होता है कि उनके जो लास्ट सीजन के ड्रेसेस होते हैं या जो एक एक ड्रेस रहा हुआ होता है ठीक है एक एक साइज रहा हुआ होता है उसको वो क्या करते हैं कि बाहर उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं उस पर वो लोग प्लेस कर देते हैं ये वाले ड्रेसेस जो है ना ये मैंने वहाँ से परचेज किए हैं ठीक है जी सबसे पहले आ गया ये वाला ड्रेस देखें जी इसके साथ इसके साथ जनाब सॉक्स भी हैं और इसके साथ ये ये प्यारा सा बॉडी सूट है ठीक है जी ट्राउज़र है और इसके साथ ये भी है जी बिब भी है ठीक है ट्राउज़र भी बहुत क्यूट सा है और मैं आपको बताऊँ इसकी कितनी अच्छी प्राइस है इसकी प्राइस है जनाब ओनली सिक्स हंड्रेड और इसकी जो रेगुलर प्राइस थी वो भी वैसे थाउजेंड नाइन्टी फाइव थी ठीक है पता नहीं आप दिखा पाऊँ मैं लेकिन ये बाहर से मैंने लिया था एंड इट कॉस्ट मी अराउंड सिक्स हंड्रेड ठीक है जी ये हो गया एक ड्रेस सेकेंड ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ ये भी बहुत ही प्यारा बहुत ही क्यूट सा ड्रेस है और इसकी जो रेगुलर प्राइस थी वो थी डी फोर्टीन थर्टी फाइव और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ जो बहुत अच्छी है इसके साथ उन्होंने हैंगर्स भी दे दिए पता नहीं भूल कर दे दिए हैं या क्या कर दिया है लेकिन अंदर से कभी कपड़े धोल जाने से तो हैंगर्स नहीं मिलते हैं ठीक है ठीके? इसके साथ उन्होंने हैंगर्स भी दे दिए हैं अच्छा खैर ये है और ये सिक्स हंड्रेड का है थोड़ा सा ये डठी हो रहा है इसको मैं वॉश कर लूँगी अच्छा जी अभी एक और ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ जनाब इसी तरह का जो मैंने बाहर से लिया है ये वाला ये देखें ये थ्री पीस है इसके साथ भी आपको एक बॉडी सूट मिल रहा है एक ट्राउज़र है ठीक है ट्राउज़र के ऊपर भी छोटा सा डिज़ाइन बना हुआ है और साथ इसके जो है ना वो एक बिब भी मिल रहा है ठीक है ये थ्री पीस सेट है इसकी रेगुलर प्राइस है जनाब एलेवन और मुझे ये मिला है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ सेकेंड आ जाता है जनाब एक और ड्रेस जो कि है ना no, ये थोड़ा सा नॉर्मल सा ड्रेस है और हो इसके साथ ये उन्होंने उतारी ही नहीं है देखे ना अभी पता नहीं मैं कैसे उतारूँगी इसको एनी ये जनाब है ये था ही सिक्स नाइन्टी फाइव का ये थोड़ा सा नॉर्मल सा भी लग रहा है चलो कोई बात नहीं इसके साथ ट्राउज़र भी है वह कि सिक्स हंड्रेड का ही मिला मुझे ठीक है अच्छा अब सेकेंड मेरे पास बहुत क्यों से ड्रेसेस आने वाले हैं ये तो हो गया ना थोड़े से ऐसे ड्रेसेज जो कि मैं बच्चों को नॉर्मल पहनाऊँगी ठीक है अब आगे हमारी ईद भी आ रही है और ये भी ऐसे ड्रेसेज ईद पर पहनाए जा सकते हैं इनमें से कुछ साफ सुथरे क्योंकि जब ड्रेस नया हुआ होता है ना तो वो अच्छा ही लगता है ठीक है अच्छा अब आ, वैसे मैं नॉर्मली इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस परचेज नहीं करती लेकिन क्योंकि मेरी गुड़िया रानी की फर्स्ट ईद है तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा एक अच्छा सा ड्रेस परचेज किया है ठीक है और वो रहा जनाब ये आई एम इन लव विद दिस इज सो प्रिटी दिस इज सो सो प्रीटी आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि मेरी गुड़िया रानी इसमें कितनी प्यारी लगेगी ये मैंने लिया है कमर्शियल से लिया है जनाब और कमर्शियल में एक शॉप है म, मास दिस इज आई थिंक यार शॉप का क्या नाम है मन्नत मन्नत प्लाज मन्नत मॉल है एक वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े होते हैं बच्चों के ठीक है तो ये मैंने वहां से परचेज किया इसकी रेगुलर प्राइस थी जनाब सेवन थाउजेंड मुझे मिला है थर्टी फाइव हंड्रेड का थर्टी फाइव हंड्रेड के हिसाब से मतलब थोड़ा सा कॉस्टली है छोटे जो, जो, छोटे बच्चों के इतने महंगे कपड़े लेकिन फिर भी यार आई आई मिन लव और ये मेरी बेटी का जो है ना ईद ड्रेस होने वाला है ठीक है पता नहीं मुझे भी इस वीडियो में दिखाना भी नहीं चाहिए था लेकिन चले मैंने दिखा दिया है कोई बात नहीं ठीक है और ये ड्रेस मैंने ले लिया अपनी अपनी छोटी सी प्रिंसेस के लिए एक और ड्रेस जो मैंने लिया है साफ़ सुथरा सा ठीक है समर्स के लिए वो भी मैंने मन्नत से ही लिया है वो एक प्यारा सा छूटू सा रॉम्पर है ठीक है और ये मेरे बेटे का कैप्टन अमेरिका और ये मेरे प्यारे से बेटे की राइम्स और म्यूज़िक पीछे से आता हुआ अच्छा जी ये है एक बहुत ही क्यूट सा रॉम्पर मुझे रॉम्पर्स बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब हम बच्चों को गोदी उठाते हैं और गोदी उठाते वक्त उनकी शर्ट वो ऊपर आसमानों को पहुंची हुई होती है आई रियली डोंट लाइक दैट और बच्चे भी इससे अनइजी और अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं तो मैं रॉम्पर्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ तो ये बात है और हाँ मैंने एक और भी सेट लिया है रॉम्पर्स का ये एक सेट मिलता है मनथ मॉल से इसमें तीन होते हैं मैंने अभी एक निकाला था हाँ ये प्लेन पिंक वाला मैंने निकाला था ठीक है ये बहुत अच्छे रहते हैं मतलब आप मैं भी जो है ना हालांकि अभी विंटर्स हैं लेकिन मैं फ़ातमा को जैसे कहते हैं कि बाकी सब ड्रेसेस डालने से पहले ना नीचे से यही वाले ड्रेस पहना पे, रही हूँ जब से वो पैदा हुई है ठीक है क्योंकि इस ये बहुत बिल्कुल कॉटन मटेरियल है सूती मटेरियल है और बच्चे की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है द टाइम ही और शी वज बॉन्ड तो उस टाइम के ऊपर हमें बिल्कुल कॉटन ही पहनानी चाहिए हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि हम उसको जो है ना कोई इस तरह ऊन वगैरह के कपड़े डालें चाहे सर्दी है या कुछ भी है गर्मी में तो भी डेफ़िनेटली आप कॉटन ही डालेंगे अच्छा ये जो है ना भाई स्नोज़ी बेबी इनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं ये जो कंपनी है इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो थी जनाब तीन हज़ार रुपये और ये नेमत मॉल से मैंने लिया यहाँ नाम भी इनका लिखा हुआ आ गया ठीक है लेकिन मुझे ये दो हज़ार रुपये में मिला है अभी आजकल कोई ऑफ शॉफ उनका चल रहा है समर वैरायटी के ऊपर ये देखें जी ये बहुत क्यूट सा इस पर हार्ट्स और कुछ बने हुए हैं मैंने भी इन ताला एक वैलेंटाइन डे का थोड़ा सा प्लान किया है क्योंकि ये फातिमा का फर्स्ट वैलेंटाइन है मोहम्मद का तो आई गए सेकेंड है कि थर्ड है तो जी क्या उसे कहते हैं कुछ अच्छा ऐसा प्लान करी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने उससे रिलेटेड वीडियो लाऊंगी अच्छा एक तो ये हो गया और ये भी इस पर क्यूट क्यूट से बने हुए तो हाँ मैं कह रही थी कि ये ड्रेस उसके लिए भी चल सकता है क्योंकि इस पर कुछ हार्ड टाइप बना हुआ है तो ये चीज़ है और एक ये ड्रेस है क्यूट उठ से एलिफेंट्स इसके ऊपर बने हुए हैं तो जनाब दैट्स ऑल अभी का मेरा ये शॉपिंग हॉल था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूंगी कि यार यही दिन है ईद की शॉपिंग करने का समर्स की शॉपिंग करने की क्योंकि फिर तो इतनी ज्यादा प्राइसेस हो जाएंगी ना रमजान में वैसे ही बंद से नहीं निकला जाता तो जाएं अपने काम ने टाइम ठीक है जी ओके अपना बहुत ख्याल रखें दुआ में याद रखें ठीक है आप सबको मेरी तरफ से बहुत दुआएँ अल्लाह आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल को हल करे और आपके चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहे ठीक है जी मुझे सब्सक्राइब करें अपनी दुआ में याद रखें थम्स अप देते दे हैं प्लीज़ चलें ओके अपना ख्याल रखें हाफिज़